राजा सनराइजर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेली गई आईपीएल 2024 के 56वें मुकाबले में आखिर संजू सैमसन आउट थे या नहीं, और साथ ही साथ दिल्ली कैपिटल्स के ड्रेसिंग रूम के पास बैठे ये शख्स आखिर थे कौन, और इनका यह रिएक्शन आखिर सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हुआ। तो चलिए जानते हैं। दरअसल राजस्थान की बल्लेबाजी का 16 ओवर का है मुकेश कुमार के ओवर की चौथी गेंद पर जब संजू सैमसन ने मिड ऑन की ओर शानदार शॉट खेला तो यहाँ पर बाउंड्री लाइन पर शाही होप ने यहाँ पर शानदार कैच लपका। लेकिन अब कॉन्ट्रोवर्सी इस बात की है कि शाही होप का पैर आखिर बाउंड्री रोप पर लगा था या नहीं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, लाइव मैच के दौरान दिखाए गए वह तीन कैमरा एंगल जिसमें पहले एंगल से तो क्लियर नहीं हुआ, वहीं दूसरे कैमरा एंगल में देखा गया कैच लेने के बाद दूसरा कदम रखते हुए शाही होप का यहाँ पर दाहिना पैर बाउंड्री रोप के काफी पास था। यहाँ पर एक या दो तो क्या तीसरा एंगल देखकर भी यह नहीं कहा जा सकता कि शाही होप का पैर बाउंड्री रोप से लग गया, लेकिन बाउंड्री रोप के काफी करीब था। वैसे इस कैमरा एंगल को काफी क्लोज कर देखा जाता तो शायद शाही होप का पैर यहाँ पर बाउंड्री रोप से टकराया हुआ ही लगता और शायद संजू सैमसन नॉट आउट भी होते, लेकिन अंपायर ने तो इसे आउट करार ही दिया। लेकिन दूसरी ओर देखा गया कि यह मामला जब हो रहा था तो दिल्ली कैपिटल्स के ओनर पार्थ जिंदल, जिनकी आवाज स्टेडियम में तो क्या अपने पास खड़े कुछ फैंस तक भी नहीं जा रही होगी, वही पार्थ जिंदल यहाँ पर संजू सैमसन के पेवेलियन जाते दौरान यहाँ पर आउट है की चीखें लगाते नजर आए, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं।